नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न पहेलियां बनाना सीखेंगे। आज कैफी और रानी क्रॉक के जन्मदिन की पार्टी की योजना बना रहे हैं। क्रॉक को पार्टी देने के लिए उन्हें कुछ रुपए की जरूरत है। कैफी ने कहा उसके पास 8 रुपए हैं। रानी ने कहा उसके पास 9 रुपए हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि रानी को एक विचार आया। कैफी, क्यों ना हम अपने रुपयों को एक साथ रखकर प्रश्न पहेलियों वाला खेल खेलें? क्या बात है रानी, बहुत अच्छा विचार है, मजा आएगा। कैफी और रानी ने अपने रुपयों को एक जगह रख दिया। कैफी के पास 8 रुपए हैं, रानी के पास 9 रुपए हैं। कैफी और रानी सोचने लगते हैं। बच्चों, क्या आप कैफी और रानी की प्रश्न पहेलियां बनाने में मदद करेंगे? बिल्कुल सही, इस पहेलियों से हम जोड़ से संबंधित एक प्रश्न पहेली बना सकते हैं। यदि कैफी के पास 8 रुपए हैं और रानी के पास 9 रुपए हैं, तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? बच्चों, जोड़ के सवाल बनाने के लिए हम कुल वस्तुओं की संख्या जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, क्या आपको लगता है इस पहेली से हम घटाव से संबंधित एक प्रश्न पहेली बना सकते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा, इस पहेली से हम घटाव से संबंधित एक प्रश्न पहेली भी बना सकते हैं। यदि कैफी के पास 8 रुपए हैं और रानी के पास 9 रुपए हैं, तो किसके पास ज्यादा रुपए हैं और कितने ज्यादा रुपए हैं? हम घटाव का प्रश्न बनाने के लिए कितना ज्यादा, कितना अंतर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, है ना ये मजेदार? अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर दी गई पहेली से जोड़ और घटाव से संबंधित एक एक प्रश्न पहेली बनाने की। टेबल पर एक टोकरी में 11 आम रखे हैं और दूसरी टोकरी में 7 सेब रखे हैं। इस पहेली से प्रश्न पहेली बनाकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 तक जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न पहेलियां बनाना सीखा।